हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। और पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। कुछ रीज़न से कॉलेज को लेकर तो ब्लॉग नहीं डाल रहा था। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, 5 दिनों से घर में लॉक्ड हूँ मैं। आज मैं निकल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा खाने का कुछ प्रॉब्लम हो गया यार, ख़त्म हो चुका है खाने के लिए, घर में कुछ है नहीं। सो मैं जाऊँगा, ये मास्क लगा कर, नॉर्मल है 20 रुपये का मास्क। ये मास्क अभी 50-100 इस तरह करके मिल रहा है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, और जो दे रहे उसमें फिल्टर नहीं है। छोटा सा जो खरीदा उसमें फिल्टर हल्का दिया हुआ है, पतला सा, तो इससे मैं काम चला लेता हूँ। तो वैसे घर में आप लोग रहते हो तो सैनिटाइजर जरूर यूज़ करो, हैंडवॉश जरूर यूज़ करो, क्योंकि यूज़ करना आपके लिए बेहतर होगा। और जो बाहर हो रहा है तो बाहर तो बता नहीं सकते, लॉकडाउन है, तो मैं तो घर से निकल नहीं रहा। सो आज मैं निकलूँगा और अभी जाऊँगा लाने के लिए, मैगी लाऊँगा या चाव, कुछ भी देखूँगा, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि बाहर तो शॉप भी बंद है पूरे। देखता हूँ शॉप खुले हैं कि नहीं खुले हैं। शॉप अगर खुले होंगे तो मैगी ले लूँगा और चाव ले लूँगा, घर पे बना लिया जाएगा, कुछ भी चलता है वो सब। सो आगे क्या बोलूँ, अरे कोरोना को मजाक ले रहे हो तुम लोग, कोरोना ले लेगी तुम्हारी अच्छी तरह से, देखते हैं, पता नहीं, चलते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली रेडी हो गया और बाहर जाने के लिए तैयार, तो चलते हैं बाहर और बाहर का नज़ारा देखते हैं क्या है क्या नहीं। मम्मी मम्मी बाहर जा रहा है। तो फाइनली गाइस मास्क लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मेरे मम्मा ने मना कर रही है। फिर क्या हुआ, बाहर नहीं जाना, मेरे मम्मा ने मना कर दिया बाहर नहीं जाना, और मेरे को तो जाना है क्योंकि आप लोगों के लिए न्यूज़ और ब्लॉग तो देना जरूरी है। सो अभी तो बाहर निकलना एकदम इम्पॉर्टेंट हो गया, मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ बाहर के हालात क्या, उसके बाद बताता हूँ आपको। गाइस दुकान तो यहाँ पे बंद है, देखते दूसरा कौन सा, कोई तो दुकान खुला होगा। चले एक दुकान खुला हो वहाँ पे, चले वहाँ देख लेते क्या है। मैगी है? मैगी नहीं है भाई साहब, इधर भी मैगी खत्म है। चलो दूसरा जगह देखते और खोजते कहीं पे, ठीक है चलिए। गाइस हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो पूरा भोजपुरी एरिया है, तो हम लोग बहुत जगह भोजपुरी में बात करते हुए पाएंगे, तो आप लोग एम्बेरस मत होइएगा कि भोजपुरी में बात कर रहा है लड़का ये वो। सो देख लीजिए आगे, वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है, कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते देखते कितने लोग लड़ते हैं। भाई सिर्फ सिर्फ दवा दुकान खुला हुआ है। भैया कुछ बोल रहे, भैया क्या बोलना चाह रहे, कैसे आप लोग काम कर रहे, लोग क्या कर रहे, थोड़ा बताइए। लोग यहाँ का एक नंबर फालतू है, कोई भी देखिए सब घर से बाहर टहल दे रहा है अपना अपना मन मौजी। देखिए थोड़ा कैमरा उधर कीजिए, एक बार देख लो गाइस, सारे लोग घूम रहे हैं, हमको थोड़ा कोई सीरियस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे कोई सीरियस नहीं है। मतलब सुबह से आप लोग मतलब
आप लोग सुबह से मतलब क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए बता दीजिए। सुबह से लोगों को बोला जा रहा है घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, पर कोई सुनने वाला है नहीं। ये कुछ बोलना चाह रहे क्या बोलना? घर में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, सब रोड पे आना चाहता है। गाइस जब घर में रहने के लिए बोला जाता था तब घर में नहीं रहते थे, तब घूमते थे, और आज उनके भलाई के लिए बोला जा रहा है कि घर में आप लोग रहो, तो यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है और कोरोना को सब मजाक में ले रहे हैं। ये हमारे मतलब मेरे घर से कुछ दूर पे मेन रोड है सर्कस मोड़, और यहाँ पे मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा है कोरोना को, सारे लोग मजाक में ले रहे हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ भैया बैठे रहते हैं, और पुलिस लोग यहाँ पे नहीं आ रहे क्या? आया था अभी तो गया इधर। क्या यहाँ पे इधर देखने के लिए? इधर देखने गए हैं। अच्छा, मतलब पुलिस चलते रहते हैं कार में? और यहाँ पे कुछ मारने का कोई सीन ऐसा कुछ? सब घंटा से बोल रहा है, पब्लिक सुनने का था, पब्लिक को देख, पुलिस को देख रहा था, घर में भाग रहा, पुलिस चल जाता है। यार इंडिया अतरंगी है, मानना पड़ेगा आप लोगों, क्योंकि इंडिया में ऐसा सीन चल रहा है कि लोगों को बोलते बोलते आदमी थक गया कि घर में रहो यार, पढ़ाई करो, जो करना है करो यार। यहाँ तक कि छुट्टी दे दिया है 15 दिनों की छुट्टी, यार घर पे रहो, नीट है यार, मस्ती करो घर पे, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुन रहा। और मैं तो निकला था मैगी लेने, और यहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला हुआ, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सो ये देखिए, पीछे लोग आ ही जा ही रहे हैं, और हम भी लोग निकले थे, तो 5 दिनों के बाद निकले और चलते हैं घर पे। तो थैंक यू भी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हैंडशेक तो नहीं कर सकते हैं, तो चलिए आगे आगे देखते हैं। चल भाई, हवा तो नहीं कुंदन भैया? भाई कुछ नहीं होने वाला, इंडिया का इंडिया जाएगा मेरे को लग रहा है, 135 करोड़ की आबादी। और यार पूरा जाने वाला है, चलिए सीनरी का मजा लेते हैं। मत कम लगे भाई बात है, एक मीटर की दूरी पे रहना, लेकिन यहाँ पे तो रहा नहीं जा रहा, एक मीटर की दूरी, यहाँ पे चपक जा रहा है। और ये देखिए अंकल जी लोग का, अंकल मास्क कहाँ है? मास्क ला के, अरे यार इन लोगों को देख लो यार, मास्क ला के, कपड़ा धोला कोई यार सीरियस नहीं है यार। भैया घर पे भी बात कर सकते हो आप, घर पे बैठ के बात करो यार। भाई कोई सीरियस नहीं है यार, जब घर में बोला जा रहा था तो घर में कोई रह ही नहीं रहा था। भाई घर में जाओ लोग यार, बाहर क्यों खड़ो, 1 मीटर का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा के रखो। ओ भाई ये लोग देखो, ये भैया को देखो, ये बाहर बैठे हुए हैं। भैया घर में चले जाओ, घर में जाकर बैठो यार, कोई सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, सारे के सारे लोग घर के बाहर, ये देखो ये भी बैठे हुए हैं यार, कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, कोई सीरियस नहीं है, देखिए देखिए सर जी, कोई सीरियस नहीं है। अरे यहाँ कोरोना के लिए बोला गया, अरे यहाँ कोई सीरियस नहीं है। अंकल जी घर में चले जाइए, घर में जाकर बैठिए, लोग मास्क नहीं है भैया, मास्क यूज कीजिए, बाहर बैठिए यार। ये सही बोला भाई, क्या बोला? वी आर सेलिब्रेटिंग कोरोना फेस्टिवल, नॉट कोरोना वायरस, और देर आर सो मेनी पीपल इन द हाउस एंड पीपल डूइंग समथिंग। यार अपनी हंसी दिखा देता हूँ, लेकिन मास्क नहीं खोल सकता, कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज हो जाएगा। अरे यहाँ कोई सीरियस नहीं है, सही बता रहा हूँ, लुक अराउंड अस, एक बार ध्यान से देख लीजिए भीड़ कोरोना को लेकर, यहाँ कोरोना फेस्टिवल सारे मना रहे हैं। यहाँ पे घर से निकले हैं लोग देखने के लिए कि यहाँ घर से कोई बाहर निकला है कि नहीं, सही बोले कि नहीं? यहाँ पे ना लोग निकले हैं घर से बाहर ये देखने के लिए कि बाहर कोई घूम रहा है कि नहीं, और यहाँ पे सारे लोग कोई मास्क यूज नहीं कर रहा है, सारे लोग मतलब घूमे जा रहे हैं। ये जो 50 के ऊपर के एज के जो है लोग, 50-55 उनको समझना चाहिए, लेकिन कुछ समझे तो ना। मैगी मिल गई, मेरा मैगी भी नहीं मिला।
घर में आप लोग इधर भीड़ लगाए हैं, घर में जाके बैठिए लो अंकल, बाहर आप लोग इस तरह घूम रहे हैं। और इधर का भी वही है, मेरा एरिया है, मेरा कॉलोनी, और कॉलोनी में भी वही सीन चल रहा है। क्या तो चलिए देखते हैं आगे, मैगी मिल जाए तो और बढ़िया, नहीं मिला तो भाई घंटा मिलेगा, देखते हैं। रुका रुका, भाई यहाँ पे मेरे कॉलोनी वाले सीरियस नहीं है बिल्कुल, कोरोना को मतलब मजाक में ले रहे हैं। एक भाई ये पहने और ये तो अपने रुमाल लगा के रखे हैं, ये दो भाई पहने अभी बोला है तो ये पहने, कोई सीरियस नहीं यार कोरोना को लेके, यार घर में जाके बैठो यार, सीरियस थोड़ा हो जाओ, कोरोना भी इटली में इतना कुछ हुआ और कोई सीरियस ही नहीं है। भाई हम तो मैगी लेने निकले थे, चलिए मैगी देखते हैं, मैगी मिल जाए तो और बढ़िया। मैगी है? मैगी नहीं है, मैगी का भी सप्लाई बंद हो चुका है, सब कुछ का सप्लाई खत्म है। चलिए तो कुछ खाने के लिए होगा अभी पैक, खाने का जो सामने है वही है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सभी ना ईपी है ना, हाँ तो ईपी दे दें। भाई अभी तो बस ईपी का सप्लाई पड़ा हुआ और मैगी तो मार्केट में है नहीं, तो ये अपना दुकान है इसे ले लेते हैं। जल्दी 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 जल्दी, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं उसके बाद। गाइस फाइनली मैं घर में आ गया हूँ और ये रहा मैगी, मैगी तो नहीं है वाईफाई है, बहुत मुश्किल से मिला। ये लाइट्स मम्मी ऑफ करके रखी है और लाइट से जल्दी नहीं रहा, चलिए तब तक इसी लाइट से काम चलाते हैं। मिल गया है मैगी और बाहर लोग बहुत भीड़ जमा हुई क्योंकि हमारे एरिया में ब्लॉक कोई नहीं बनाता है, तो जस्ट यही मैगी मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिला, 6 पीस मिला मैं लेकर आ गया मैगी। तो बाहर का मतलब क्या मैं बोलूँ, कोई कोरोना बोले सीरियस नहीं है, सब मजाक मिल रहा है। और यहाँ पर लोग निकल रहे हैं घर से बाहर ये देखने के लिए कि बाहर भीड़ है कि नहीं, कोई आया है कि नहीं बाहर, और पुलिस आ रहे हैं उसके बाद, तो मतलब थोड़ी देर के लिए घर में जा रहे फिर घर में चले आ रहे हैं। सो मैं ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि इसके आगे मैं नहीं बोल सकता हूँ, ब्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्या मैं बोलूँ, देखता हूँ। आज तो मेरा सेकेंड डे था लॉकडाउन का और सेकेंड डे के दिन मैंने ब्लॉग शुरू किया, देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, बाय बाय, सी यू।